हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ एलिवेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। एलिवेटर्स में हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स देखेंगे कि मेनली एलिवेटर है क्या, टाइप्स ऑफ कितने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या डिफरेंट साइज एंड शेप्स हो सकता है एलिवेटर कार का, क्या स्पीड हमें मेंटेन करना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पर देखेंगे। पावर ट्रांसमिशन इसमें हम लोग कैसे करेंगे, टाइप्स ऑफ एलिवेटर मशीन यानी कि एलिवेटर को ड्राइव करने के लिए हम लोग क्या क्या मशीन्स यूज़ कर सकते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, व्हाट इज़ एलिवेटर। ठीक है, तो एलिवेटर एक्चुअली में है क्या। एलिवेटर हम लोग एक एज अ लिफ्ट हम लोग जानते हैं। ठीक है, अपने डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करते हैं। तो एलिवेटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विच इज़ यूज्ड एज वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रिक लिफ्ट है जो वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, पीपल का कर सकते हैं। ठीक है, जो ये किसी बिल्डिंग में, वर्टिकल बिल्डिंग में फ्लोर टू फ्लोर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो इस तरीके का मशीन को हम लोग एलिवेटर या इलेक्ट्रिक लिफ्ट कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक लिफ्ट होता है या एलिवेटर होता है, ये जनरली इलेक्ट्रिकल मोटर के थ्रू ड्राइव किया जाता है। ठीक है, जिसमें एक काउंटर वेट लगा होता है। जब हम लोग टाइप्स देखेंगे तो काउंटर वेट क्या है, ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो काउंटर वेट के हेल्प से भी इसको ड्राइव किया जा सकता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लाइक अगर हम हाइड्रोलिक एलिवेटर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे पंप होगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल पिस्टन होगा। ठीक है, जैक के साथ में रोप्स यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टाइप हो सकता है इलेक्ट्रिक एलिवेटर का। तो इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स को हम लोग जनरली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है ट्रैक्शन टाइप का, एंड दूसरा हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करके इसको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है हाइड्रोलिक, इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हाइड्रोलिक एलिवेटर्स एंड ट्रैक्शन एलिवेटर्स। तो इस ट्रैक्शन एलिवेटर्स में हम लोग जनरली रोप सिस्टम यूज़ करते हैं पुल या पुल करने के लिए। ठीक है, और हाइड्रोलिक सिस्टम में हम लोग फ्लूड के हेल्प से हाइड्रोलिक मैकेनिज्म का यहाँ पर यूज़ करके एलिवेटर्स को ड्राइव कराएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज़ द टाइप ऑफ ट्रैक्शन एलिवेटर। ठीक है, तो जनरली जो हमने अपने डेली लाइफ में यूज़ किया होगा, ठीक है, दैट इज़ मोस्टली वो ट्रैक्शन टाइप एलिवेटर होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हाइड्रोलिक सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा इसका ट्रैक्शन टाइप का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन में एक हमारे यहाँ पर एक एलिवेटर कार होता है। ठीक है, इस एलिवेटर कार के अंदर हम लोग गुड्स या पीपल को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, इस कार के मूवमेंट के लिए यहाँ पर गाइड रेल्स बना होता है। ठीक है, तो इसी ट्रैक पर ये मूव करता है। थर्ड थिंग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज़ दिस रोप। ठीक है, तो एक स्टील का रोप होता है। ठीक है, इस रोप के हेल्प से यहाँ पर मूवमेंट किया जाता है एलिवेटर कार का। और यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज़ यहाँ पर शीप्स होता है। ठीक है, शीप्स जनरली एक टाइप का पुली होता है। हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम में जनरली पुली का यूज़ करते हैं, जहाँ पर रोप सिस्टम हो। ठीक है, इस तरीके का दो पुली हो और दोनों के बीच में इस तरीके का बेल्ट या फिर रोप सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम एक शीप्स या फिर पुली टाइप यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एंड इस पुली के हेल्प से पुली का जो कनेक्शन होता है वो एक्चुअली में आपका मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर से होता है। ठीक है, जो कि इसको ड्राइव करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सबसे टॉप पार्ट में, ठीक है, ये जो आपका चैम्बर बना हुआ है जिसमें एलिवेटर मूव करेगा, तो इसके टॉप पार्ट में मशीन रूम होता है। ठीक है, तो मशीन रूम क्या होता है कि यहाँ पर आपका सारा कंट्रोल यूनिट होगा। ठीक है, यहाँ पर स्विचेस होंगे, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होंगे, मोटर्स लगा होगा। ठीक है, सारा कंट्रोल यूनिट यहाँ पर मशीन रूम में अवेलेबल होगा।
ठीक है। और इस टाइप का ट्रैक्शन टाइप का जो एलिवेटर होता है, इसमें मेन पार्ट होता है दिस इज, ठीक है, ये काउंटर वेट होता है, ठीक है। तो काउंटर वेट दैट मीन्स कि जब आपका ये जो लिफ्ट है या फिर जो एलिवेटर कार है, ये जब आपका डाउनवर्ड आएगा तो ये आपका जो काउंटर वेट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इस पूरे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके बॉटम में अगर देखें तो यहाँ पर कुछ बफर्स लगे होते हैं, ठीक है, जो कि जब ये डाउनवर्ड आएगा, जब कार ये डाउनवर्ड आएगा तो यहाँ पर वाइब्रेशंस या फिर डैमेजेस को एलिमिनेट करने के लिए या डिसिपेट करने के लिए यहाँ पर बफर्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके का। अगेन हम लोग ट्रैक्शन एलिवेटर को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रैक्शन ड्रम अरेंजमेंट एंड लिफ्टिंग ड्रम अरेंजमेंट, ठीक है। तो ट्रैक्शन ड्रम अरेंजमेंट में सिंपल आपका इस तरीके का पुली होता है, ठीक है, दोनों साइड में पुलीज होगा एंड अपर साइड का जो पुली होगा वो इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये हमारा कार हो गया, इसे हमें मूव कराना है अप या डाउन, ठीक है, ये आपका काउंटर वेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई आपके मोटर को दिया जाता है, या फिर जैसे हम लोग आपके लिफ्ट में, आपके एलिवेटर्स में कंट्रोल बटन्स होते हैं, ठीक है, कि आपको किस फ्लोर में जाना है, तो आप जैसे ही इनपुट देते हैं तो वो सिग्नल आपके कंट्रोल रूम के मोटर में चला जाता है एंड उसके अकॉर्डिंगली मोटर ऑपरेट होता है, ठीक है। जैसे ही मोटर को सिग्नल मिलेगा, ये मोटर इस पुली मोटर ऑपरेट होना शुरू होगा एंड पुली को भी ये रोटेट कराएगा, ठीक है। ये पुली भी ड्राइव होने लगा एंड ये उसके अकॉर्डिंगली ये, ठीक है, जो पुली है ये आपका मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। पुली मूव करेगा तो ये रोप को भी अपने साथ साथ मूवमेंट कराएगा, ठीक है। तो जब भी आपका ये पुली मूव कर रहा है तो दोनों पुली यहाँ पर एक साथ काम करेंगे एंड इस तरीके से आपका रोप भी अप या डाउन होगा एंड आपका जो लिफ्ट का है, लिफ्ट है या फिर एलिवेटर कार है, ये भी अप या डाउन होगा, ठीक है। तो ये आपका सारा ऑपरेशन मोटर पे होता है। तो ये है आपका ट्रैक्शन ड्रम अरेंजमेंट, जहाँ पर पुली होता है, ठीक है, एंड पुली ये डायरेक्टली काउंटर वेट के साथ अटैच होता है एंड ये इसको अप या डाउन मूव कराता है। दूसरा टाइप अगर देखें लिफ्टिंग ड्रम अरेंजमेंट, यहाँ पर आपका काउंटर वेट है, ये आपका कार हो गया, ठीक है, एंड ये इस कार को जैसे ही आप सिग्नल देंगे, ठीक है, मोटर को जैसे सिग्नल मिल गया, ये पुली को रोटेट कराना शुरू करेगा, ड्राइव कराएगा एंड पुली जैसे ड्राइव करना शुरू किया, ठीक है, तो ये जैसे रोटेट करना शुरू होगा तो इसके साथ साथ रोप में भी मूवमेंट आएगा, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली ये जो कार है इसको अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कराएगा, ठीक है। ये काउंटर वेट लगा हुआ है, जब हमारा लिफ्ट कार जो है वो नीचे आएगा, काउंटर वेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ड्रम लिफ्टिंग ड्रम अरेंजमेंट में इस एलिवेटर कार को कम्प्लीटली लिफ्ट कर लिया गया है, ठीक है, पुलीज के हेल्प से, पुलीज एंड स्टील रोप के हेल्प से। बट ट्रैक्शन ड्रम अरेंजमेंट में इस तरीके से ट्रैक किया जा रहा है, ठीक है, ये अपने पर्टिकुलर इसका जो रेल ट्रैक होगा इसमें ये मूव करेगा, ठीक है, इस स्टील रोप के हेल्प से। तो इस तरीके से ये वर्क करता है ट्रैक्शन टाइप एलिवेटर, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो टाइप है हाइड्रोलिक टाइप्स एलिवेटर, हाइड्रोलिक में भी हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला जो होता है डायरेक्ट हाइड्रोलिक एलिवेटर होता है, ठीक है, और दूसरा हम लोग देख सकते हैं दूसरा आपका सस्पेंशन टाइप होता है, ठीक है। तो पहला आपका डायरेक्ट हाइड्रोलिक एलिवेटर हो जाएगा एंड दूसरा सस्पेंशन हाइड्रोलिक एलिवेटर। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं दिस इज़ डायरेक्ट हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर आपका ये एलिवेटर कार हो गया, ये एलिवेटर कार, इसे हमें अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कराना है, ठीक है, और इसके बेस में इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल पाथ बना होता है या फिर इसे हम फिक्स्ड सिलेंडर कह सकते हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड होता है, फिक्स सिलेंडर यहाँ पर होता है एंड ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका मूवेबल सिलेंडर है, ठीक है, या इसे हम पिस्टन भी कह सकते हैं, ये मूवेबल
पार्ट है, ठीक है, यानी कि पिस्टन है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं टैंक है, जिसमें आपका फ्लूड्स को आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पंप है, ठीक है, वाल्व लगा हुआ है, जो जब जैसे रिक्वायरमेंट होगा, जैसा सिग्नल मिलेगा, ये वाल्व ओपन या क्लोज होगा, ठीक है। तो सपोज़ जैसे ही हमने टैंक से रिलीज़ कर दिया है फ्लूड को, ठीक है, तो जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे तो ये हाई प्रेशर के साथ आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर ये फिक्स सिलेंडर के अंदर ये भरना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही फ्लूड का वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ेगा, तो ये जो हमारे पास मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, मूविंग पिस्टन, यानी कि ये जो येलो वाला पिस्टन है, ठीक है, ये इसको अपवर्ड शिफ्ट कराएगा, ठीक है, अपवर्ड ये पुश करेगा, क्योंकि फ्लो के साथ आपका फ्लूड इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही इसको पिस्टन को पुश करेगा, तो ये आपका ये फोर्स लगाएगा एलिवेटर कार में, ठीक है, एंड ये एलिवेटर कार आपका अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब हमें एलिवेटर कार को डाउनवर्ड मूव कराना है, तो हम ये जो फ्लूड हमने रिलीज़ किया था उसे वापस, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कराना, या फिर जो फ्लूड का हमने यहाँ पर फ्लो कराया था उसे हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये वापस जो आपका पिस्टन है वो वापस अपने जगह पर आना चाहेगा, ठीक है, एंड लिफ्ट आपका डाउनवर्ड मूव करके वापस अपने इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा डायरेक्ट हाइड्रोलिक एलिवेटर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग देख सस्पेंशन टाइप आता है, ठीक है, तो सस्पेंशन टाइप में हम लोग जनरली यहाँ पर आपका पुली सिस्टम यूज़ किया जाता है, ठीक है, दो पुली इस तरीके से होगा, ये आपका रोप से कनेक्टेड होगा, ठीक है, यहाँ पर फ्लूड जाने के लिए पाथ हो बना होगा, ठीक है, ये आपका फिक्स सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये वाला फिक्स सिलेंडर हो जाएगा, एंड इसके अंदर आपका जहाँ पर फ्लूड फ्लूड के लिए ये पाथ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कनेक्टेड होगा एक मूवेबल पिस्टन, ठीक है, एंड यहाँ पर आपका लिफ्ट कनेक्टेड होगा, ठीक है, एलिवेटर कार होगा, ठीक है, और ये आपका जो पुली है ये आपका मोटर से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका ऑपरेशन इस तरीके से देख सकते हैं कि सपोज़ इस लिफ्ट को ये जो आपका मूवेबल ये आपका मूव करेगा, ठीक है, ये पिस्टन, इसके साथ ये कनेक्शन आपका एलिवेटर कार के साथ होगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने फ्लूड को इस तरीके से इस पाथ में फ्लो कराना शुरू किया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये फ्लूड आपका जो सिलेंड्रिकल फिक्स सिलेंडर है इसके अंदर ये भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एंड ये जो आपका फिक्स मूविंग पिस्टन है, ठीक है, इस मूविंग पिस्टन को ये पुश करना शुरू करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये पुश करेगा तो ये आपका ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, मूविंग पिस्टन, तो ये जैसे आपका वाटर इधर फ्लो कर रहा है तो ये पुश करेगा लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड जैसे ही पुश करेगा इसको, तो ये वाला जो आपका मूविंग, ठीक है, ये आपका मूविंग पुली है, तो ये भी मूव करके ये बैकवर्ड चला जाएगा, ठीक है, और जैसे ही ये बैकवर्ड होगा तो ये जो रोप कनेक्टेड है दूसरे पुली से, ठीक है, इसमें स्ट्रेस आएगा, एंड ये रोप भी आपका पुल होना शुरू करेगा। तो जैसे ही रोप पुल होगा, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका रोप जैसे पुल हुआ, ठीक है, तो ये आपका इससे कनेक्टेड है, ठीक है, एलिवेटर से, एंड ये एलिवेटर को ये अपवर्ड पुश करेगा। तो इस तरीके से एलिवेटर कार आपका ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसे हम लोग को ठीक है यहाँ से हम लोग फ्लूड अब हमें इस एलिवेटर कार को हमें डाउनवर्ड मूव कराना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो फ्लूड हमने छोड़ा था इसे अब हम रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है, वापस इसे हम निकालने इस डायरेक्शन में फ़्लो कराना शुरू करेंगे, एंड जैसे ही ये फ़्लो करना शुरू करेगा तो यहाँ पर जो आपका स्पेस था ये खाली होना शुरू होगा,
ठीक है। एंड ये जो मूविंग पिस्टन था ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अभी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जैसे मूव करेगा तो ये जो मूविंग पुली था ये भी अपने इनिशियल पोजीशन पे राइट साइड मूव करेगा, ठीक है। तो जो स्ट्रेस पड़ रहा था यहाँ पर रोप में वो स्ट्रेस कम हो जाएगा, ठीक है। एंड इसकी वजह से ये वापस जो आपका एलिवेटर कार है वो इनिशियल पोजीशन पे वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्लूड का यूज़ किया जाता है इन हाइड्रोलिक सस्पेंशन, हाइड्रोलिक टाइप एलिवेटर्स में, ठीक है। इसका बहुत सारे एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्किंग दिया हुआ है, तो इस तरीके के हम लोग इसको लोअर कॉस्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्विकली इंस्टॉल भी हो जाता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और ड्रॉबैक्स की अगर हम लोग बात करें तो फ्लूड के फ्लो की वजह से ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ी भी हो जाता है, ठीक है। एंड हम लोग को इसका स्पीड थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता है, ठीक है। एनर्जी कंजप्शन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, एंड इन्वायरमेंटल डैमेज भी हो सकता है अगर जो फ्लूड है उनका लीकेज शुरू हो गया तो, ठीक है। तो ये था हम लोग स्टडी किया व्हाट इज़ एलिवेटर, ठीक है। जनरली एलिवेटर एक टाइप का इलेक्ट्रिक लिफ्ट होता है जो हम लोग वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर्स के हेल्प से इसको रन कराया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिवेटर्स में हम लोग ट्रैक्शन टाइप, ठीक है, एंड हाइड्रोलिक टाइप हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक्शन टाइप में भी हमारे पास दो आता है, इसका दो कैटेगरी हमने देखा, एंड हाइड्रोलिक के केस में भी हमने दो कैटेगरी देखा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सिले सिले डिफरेंसेस है हर एक सिस्टम के बीच में, एंड इस तरीके से हम लोग इसके वर्किंग को समझ सकते हैं। एंड एलिवेटर्स आपका इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से यूटिलाइज करेगा हम लोग पावर ट्रांसमिशन में आगे इसको देखेंगे।